Hello, welcome back to our channel. So students, in this video I want to give you a special voice note from the experienced faculty of Hindi about the important questions and tips. So without getting late, let's get into the video. Ma beta dekhiye, third semester mein aapko pure 6 units hai, jo 6th unit hai sirf anuvad hai, aapko translations hai english to hindi, telugu mein bhi liya jayega. तो तेलुगु कुछ वर्ड्स हिंदी से मिलते जुलते होते हैं, तो आप ऐसा भी पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, ओनली फॉर 5 मार्क्स. तो अभी 1 to 5 यूनिट्स की बात करें, तो आप चाहो तो फर्स्ट यूनिट माने कबीर तुलसी और बाल लीला में, कबीर तुलसी छोड़कर बाल लीला थोड़ा सा पढ़ो. जैसे कि 3 स्टैंजास है उसमें. फर्स्ट लाइन्स में वो कृष्ण को कैसे यशोदा सुला रही है लोरी गाकर. सेकंड में कृष्ण कैसे दूध के लिए मना कर रहे हैं और माखन रोटी पूछ रहे हैं, माँ से शिकायत कर रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी. थर्ड पैरा में वो कैसे अपने भाई बलराम की शिकायत करते हैं माँ से, ये बताया गया है. तो ये जो भी है कबीर तुलसी बाल लीला माने सूरदास के बाल लीला से शॉर्ट आंसर्स पूछेंगे और संदर्भ भी पूछेगा, तो आप अपने ओन से लिख सकते हो. पूरा नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, जितना हो सका उतना पढ़े, थोड़ा सा बाल लीला एक बार देख लें, संदर्भ माने पोएम और उसका मीनिंग. नेक्स्ट यूनिट में 5 लेसन्स है, उसके नेम्स अच्छे से देख लें, लेसन नेम, राइटर नेम माने पोएम नेम, पोएट नेम. तो यहाँ से भी शॉर्ट आंसर्स, सारांश और संदर्भ देगा. तो संदर्भ के लिए आप एक बार पोएम और उसका मीनिंग देखें, तो क्या होगा, संदर्भ भी अटेम्प्ट कर सकते हो और जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे शॉर्ट आंसर्स वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो. तो यहाँ से आपको सेकेंड यूनिट अच्छे से पढ़ना है. थर्ड यूनिट हिंदी साहित्य का इतिहास है, भक्ति काल और आदिकाल दिया गया है. आदि या भक्ति कोई एक पढ़ो, माने आदिकाल की परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ पढ़ लो, भक्ति काल थोड़ा सा देख लो ताकि शॉर्ट आंसर्स एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सको. आदिकाल से परिस्थितियाँ प्रवृत्तियाँ देख लिए तो लॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट कर पाओगे. नेक्स्ट रचनाकारों का परिचय में पूरे 9 हैं, तो भारतेंदु से लेकर रामधारी सिंह दिनकर तक सबको सेम सेम लिख सकते हो, सिर्फ जीवन परिचय एक ही अलग होगा. क्या होंगे इनके साइड हेडिंग, काल, जीवन परिचय, रचनाएं, देशभक्ति और उपसंहार, सभी सेम एक दूसरे को लिख सकते हो, एक जीवन परिचय को छोड़कर. सबका अलग अलग होता है ना बेटा जीवन, कुछ तो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ही लिखे हैं मैंने. नेक्स्ट चंद्रबरदाई वीर गाथा काल के जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा है, कबीरदास के बारे में, तुलसी के बारे में, सूर के बारे में, इन तीनों के भी साइड रीडिंग सेम होते हैं, बस उनका परिचय अलग अलग होता है ना. तो ये यहाँ से भी शॉर्ट आंसर्स में पूछेगा और लॉन्ग आंसर में 4 कवियों के नाम देकर 2 पर टिप्पणी लिखने के लिए कहेगा, बस साइड रीडिंग लगा कर आप लिख लो. ईच वन 7.5 मार्क्स, ऊपर ऊपर से एटलीस्ट अच्छा दिखना चाहिए, साइड रीडिंग अच्छे से होना चाहिए. नेक्स्ट 5th यूनिट निबंध है, 7 निबंध है, तो यहाँ पर भी रूपरेखाएँ या विचार तालिका जो भी हम कहते हैं साइड हेडिंग्स, उसको अच्छे से पढ़ो ताकि आप डिटेल में लिख पाओ. यहाँ से भी शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर मिलेगा. लॉन्ग आंसर में कैसे देगा, 3 निबंध देकर 1 लिखने के लिए कहेगा, 10 मार्क्स, और एक 5 मार्क्स कहाँ से लेगा, ट्रांसलेशन माने कि 15 मार्क्स. तो निबंध में अगर आप छोड़ना चाहते हो तो 7 में से ऊपर से 4 या नीचे से 4 अच्छे से पढ़ लो और बाकी के थोड़ा सा तो भी देख लो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, तो शॉर्ट आंसर्स भी अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है, तो समझ गए होंगे, फर्स्ट यूनिट में एक बाल लीला थोड़ा सा देख कर बाकी लाइट ले सकते हो. नेक्स्ट यूनिट पूरा पक्का पढ़ना है, थर्ड यूनिट आदिकाल पक्का पढ़ना है. रचनाकारों का परिचय, ये तो सिर्फ साइड हेडिंग्स पढ़ लिया, और भारतेंदु का किसी एक का फुल पढ़ लिया तो बाकी सबको वैसे ही डाल सकते हो. नेक्स्ट निबंध सारे रूपरेखाएं पढ़कर कोई 4 पक्का पढ़ लिया तो हो जाएगा. ठीक है, तो 1 to 8 शॉर्ट आंसर्स आते हैं, सारे यूनिट से कवर करता है. तो क्या है मेन बात, क्वेश्चन कुछ भी पूछें. अभी मैथिली सेनगुप्त ने क्या संदेश दिया है नवयुवकों को, तो क्या है, कहाँ से दिया है, नवयुवकों से दिया है. अयोध्या सिंह उपाध्याय ने क्या संदेश दिया है, तो क्या है, कौन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, फूल और कांटे के कवि हैं. इस तरह इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो क्वेश्चन को कॉपी करके उसके रिलेटेड जो भी आप एग्जैक्ट पॉइंट्स लिख सकते हो, 3 लाइंस लिखो, उसके बाद रिलेटेड कुछ भी पॉइंट्स, कुछ भी लेसन के रिलेटेड, और 3-4 लाइंस डालो, मिनिमम 6 लाइंस, उससे ज़्यादा आए तो भी अच्छा, पर मिनिमम 6 होना चाहिए. ओके, साइड हेडिंग,
चेंज अ पैरा थ्री लाइंस, चेंज अ पैरा थ्री लाइंस, फोर मार्क्स को तो इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो सारे यूनिट से कवर करेगा वो, उतना नहीं देखता ऊपर ऊपर से, बस करेक्ट हो क्वेश्चन को ही साइड राइटिंग बना के लिखो बोल्ड हैंड राइटिंग में, प्रेजेंटेशन अच्छा है तो बस है, ठीक है बेटा। वो एक बात हो गई। लॉन्ग आंसर्स नाइन्थ क्वेश्चन में क्या देता है, ओल्ड पोइट्री से दो, मॉडर्न पोइट्री से दो, कभी कभी ओल्ड पोइट्री से वन, मॉडर्न पोइट्री से थ्री, तो आप संदर्भ क्या कर रहे हो, मॉडर्न पोइट्री के सारे अच्छे से पढ़ लो। उसमें क्या चेक करता है, फोर साइड राइटिंग, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, विशेषता। प्रसंग में क्या होता है, लेसन नेम, राइटर नेम और कॉमन सेंटेंस लिख दो। संदर्भ में मॉरल ऑफ द स्टोरी, अभी भारत से कोई सेंटेंस दिया तो भारत माने कि भरत चक्रवर्ती के बचपन का विवरण किया गया है, बस एक लाइन बेटा। व्याख्या में जो क्वेश्चन दिया है पोएम, उसका डिटेल में लिखो जो भी आपको समझ में आता है। विशेषता में फिर से मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो करेक्शन करने वाला सिर्फ फोर साइड राइटिंग्स और लेसन नेम, राइटर नेम चेक करेगा, बाकी आपने जो लिखना है अपनी मर्जी से लिखें। उसके बाद नाइन्थ हो गया, टेंथ में क्या देगा, सेकंड यूनिट से ही कोई तीन पोएम्स माने कि लेसन्स देकर कोई एक लिखने के लिए कहेगा 15 मार्क्स के लिए। नवयुवकों से फूल और कांटे, भारत और मेरा नया बचपन, जीवन का अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पर भी कवि का परिचय, कविता का परिचय, सारांश, विशेषता, फोर साइड रीडिंग आकर अच्छे से लिखो। सारांश में टुकड़े टुकड़े करके लिखना ताकि लेंदी लगे। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में मनी की सॉरी नाइन्थ हो गया, टेंथ हो गया, इलेवंथ क्वेश्चन कहाँ से देता है, साहित्य से, आदिकाल और भक्तिका से दो क्वेश्चन देकर एक क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर भी साइड रीडिंग याद रही तो कुछ तो एक मिलाकर आप प्रोलॉन्ग मनी की लॉन्ग कर सकते हो आंसर। नेक्स्ट ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या देता है, चार कवियों का नाम देकर दो पर टिप्पणी लिखने के लिए कहता है, तो सभी कॉमन सेंटेंस से आप भर सकते हो। थर्टीन में क्या देगा, तीन निबंध देकर एक पूछेगा 10 मार्क्स के लिए, और एक फाइव ट्रांसलेशन देगा। ट्रांसलेशन भी पक्का लिख देना जो भी आए वो, बस लिखना, सारे अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन नंबर्स ठीक से डालना, साइड हेडिंग्स, हेडिंग्स, अंडरलाइंस, मार्जिन्स, एक मार्जिन राइट साइड को भी मार लो ताकि थोड़ा सा लेंदी लगे हमारा आंसर, थोड़ी सी हाफ इंच की मार्जिन। उसके टाइम टेबल फॉलो करो, एक आंसर को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, एक दूसरे आंसर को टाइम नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सारे आंसर्स शॉर्ट आंसर्स एक वन आवर, तो लॉन्ग आंसर टू आवर्स में, कभी कभी देर से पेपर आ जाता है तो एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी तो इंग्लिश लेटर से टाइम मांगना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चंस कॉपी करके आंसर्स लिखो ताकि करेक्शन करने वालों को लगे कि हाँ इसका आंसर है। कुछ लोग तो सिर्फ साइड रीडिंग और क्वेश्चन कौन सा लिखा है वो कॉपी करते हैं ना, उसी को ही देखकर आंसर लिख देते हैं। अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया कि कभी ने गुरु और शिष्य के बारे में क्या बताया है, उनके संबंध के बारे में, आप क्वेश्चन कॉपी करो, कभी ने गुरु और शिष्य का संबंध इस प्रकार बताया है, अंडरलाइन एक थ्री लाइन्स, उसके बाद चेंज करो पैरा एक थ्री लाइन्स, बस करेक्शन करने वाले ऊपर का हेडिंग ही ज़्यादा देखते हैं। हाँ अटेम्प्ट किया, चलो मार्क्स पड़ गए, ठीक है। कुछ खा कर जाना ताकि माइंड काम करे, ब्लैक पेन, अच्छा डार्क और फास्ट लिखने वाला ब्लैक पेन होना चाहिए। और जो आपका स्लिप देते हैं स्टिकर, वो चेक करो पूरा कंप्लीट, हॉल टिकट नंबर चेक करके स्टिक करना, ठीक है बेटा।